थैंक यू दिलीप हमारे साथ इस इंटरव्यू पे जुड़ने के लिए, और आई एम वेरी श्योर कि वेदा कॉलेज के जो स्टूडेंट्स हैं वो इस इंटरव्यू से इंस्पायर होंगे, बहुत कुछ सीखेंगे। तो शुरू करते हैं, हमारा जो पहला सवाल है आपको वो ये है कि आपका जो अब तक का करियर का जर्नी रहा है वो हमें बताइए कि आप मतलब पढ़ाई जब कर रहे थे तो तब से लेके एनिमेशन के फील्ड में आना कैसे हुआ, क्या क्या अलग अलग आपने काम किए, एंड हाउ हैव यू बिकम यू। थोड़ी लंबी और मतलब कॉम्प्लिकेटेड एंड ट्विस्टेड जर्नी रही मेरी जब मैं स्टूडेंट था, और स्टूडेंट से लेके जो एंटरप्रेन्योर तक का जो मेरा जर्नी है काफी ट्विस्ट एंड टर्न से होते हुए गया है। जब मैं मतलब स्टूडेंट था तो आई थिंक सेकेंड ईयर में पहला इंटर्नशिप किया था एज ए कॉमिक आर्टिस्ट, जूनियर कॉमिक आर्टिस्ट, और एक एजेंसी थी जो कि राज कॉमिक्स और कुछ अपने इंडियन कॉमिक्स के लिए और थोड़ा इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स का भी आउटसोर्सिंग वाला काम करती थी वो। सेकेंड ईयर में मेरा स्केचिंग स्किल्स, स्केचिंग में मेरा बहुत इंटरेस्ट रहा है शुरू से। ओके, ग्रेट। और उसको देखते हुए उन लोगों ने, मेरे कॉलेज वालों ने मेरे को रेफर किया वहाँ पे इंटर्नशिप करने के। तो उधर गया तो उस टाइम मेरा विजन इतना मतलब कंसोलिडेटेड विजन नहीं था कि मेरे को यही करना है। एनिमेशन का स्टूडेंट था मैं, बीएससी इन एनिमेशन, तो उस टाइम ऐसा लगता था हाँ ठीक है जो भी मिले बस जॉब मिल जाए। एनिमेशन का इतने डिविजन्स होता है, जैसे आपका 3D में ही बात करें, सिर्फ 3D एनिमेशन का ही बात करें तो मॉडलिंग से लेके टेक्सचरिंग से लेके लाइटनिंग, डायनामिक्स, एनिमेशन, रिगिंग। करेक्ट। हम लोग का विजन क्या था कि ओके वर्किंग एज एन आर्टिस्ट इन एनिमेशन स्टूडियो, इट डजंट मैटर कि मॉडलिंग में जाना है कि रिगिंग में जाना है, प्लस जो कह सकते हैं गिफ्टेड स्किल था स्केचिंग का वो मेरे पास था। अब यहाँ पे स्केचिंग लाइन पे गया और कॉमिक्स में फर्स्ट टाइम आई ट्राइड एज ए कॉमिक आर्टिस्ट, आई वाज मेकिंग पैनल्स, और आप बिलीव नहीं करोगे आज के डेट में मैं खुद बताता हूँ इतना घटिया पैनल्स में बनाता था कि मतलब जैसे एक माइथोलॉजिकल जॉनर का एक कॉमिक्स था। ओके अब माइथोलॉजिकल कैरेक्टर्स थे, हनुमान पे था वो कॉमिक्स। अब माइथोलॉजिकल कैरेक्टर में मेरे को वही रामानंद सागर वाला रामायण का विजन मैंने किया कि वो जो एंगल्स है वो स्टैटिक एंगल्स, क्लोजअप्स एंड टू कैरेक्टर्स यू नो पोजिंग लाइक दिस, जैसे कि आपका थिएटर में होता है। एंड वहां से फीडबैक आया कि व्हाट रबिश इज दिस, दिस काइंड ऑफ फ्रेम। वहां से एक चैलेंज मैंने अपने एक्सेप्ट किया, मैं गया, मैं मार्वल और डीसी और ये सब चीज में उनके कॉमिक्स, उनके पैनल्स को देखा, एक्सप्लोर किया, फिर एंगल्स का पता लगाया, कॉम्पोजिशन का पता लगाया, और वहां से एक इंस्टिंक्ट डेवलप हुआ टू बिकम अ कॉमिक आर्टिस्ट, और यू कैन से डिजिटल आर्टिस्ट। डिजिटल आर्टिस्ट बनने का मुझे एक इंस्टिंक्ट पैदा हुआ, मैं इलस्ट्रेटर बनना चाहता था, बट स्टिल विजन वॉज नॉट कंसोलिडेटेड। दैट टाइम आई वॉज आई यू नो वॉन्टेड टू बी एन आर्टिस्ट, उसमें भी खूब सारे जॉनर्स होते हैं। फिर पता चला कि एक कॉन्सेप्ट आर्ट नाम की भी एक चीज होती है। ओके। और कॉन्सेप्ट आर्ट, बिलीव मी, मैं शायद बचपन से ही मैं कॉन्सेप्ट आर्टिस्ट था। कॉन्सेप्ट आर्टिस्ट इस तरह से था कि मैं कुछ चीज देखता था, मैं इमेजिन करके चीजों को बनाया करता था। करेक्ट। व्हेन आई वाज इन आई थिंक थर्ड और फोर्थ स्टैंडर्ड, मैं इमेजिन करके मैं ट्रेन को थोड़ा सा उसको मॉडिफाई करके, या कोई प्लेन है प्लेन को मॉडिफाई करके, और इवन You know, in shoes में भी, जूते में भी मैं कार देखता था। Wow, very interesting. But उस टाइम मेरे को आइडिया नहीं था कि मतलब ये भी एक करियर है कॉन्सेप्ट आर्ट का, मतलब समथिंग दैट यू इमेजिन एंड यू क्रिएट एंड यू ड्रॉ। मुझे लगता था आर्टिस्ट मतलब अगर आर्टिस्ट बनना है तो यू हैव टू बी पेंटर लाइक पाब्लो पिकासो और लियोनार्डो डा विंची, तभी जाके आप आर्टिस्ट बन पाओगे। तो ग्रेजुएशन टाइम पे मुझे पता चला कॉन्सेप्ट आर्ट के बारे में, और वो चीज मेरे को स्ट्राइक किया कि अरे यार ये मेरा बचपन में ये मेरा इंटरेस्ट था, और यहाँ पे देख रहा हूँ तो ये एग्जिस्टिंग करियर ही हुई है। फिर मैंने उस पर और रिसर्च किया घर बैठे बैठे, और दैट टाइम आई थिंक आई वाज अबाउट टू फिनिश माय ग्रेजुएशन, फाइनल ईयर आ चुका था, ईयर था 2012।
और ग्रेजुएशन के टाइम पे फिर मैंने देखा कि यार कॉन्सेप्ट आर्ट का स्कोप जो है वो इंडिया में नहीं था उस टाइम, और इवन मेरे ख्याल से 2012 में भी एनिमेशन स्ट्रीम इतना डेवलप नहीं था। आजकल बहुत सारी चीजें डेवलप हो चुकी है, एग्जैक्टली, बट हम लोग के टाइम पे वो चीज उतना डेवलप है नहीं। हम लोग के टाइम पे अगर कोई अच्छा, अगर एक सेटिस्फैक्ट्री लेवल का अगर कोई आर्टिस्ट या एनिमेटर बनना चाहता है तो उसका एक विजन था कि भाई यहाँ से कैसे ना कैसे तरह एक्सपीरियंस लेके जस्ट मूव टू अब्रॉड। करेक्ट, बट अभी सब चीजें धीरे धीरे सैचुरेट हो रहे हैं, एंड रियली ये आजकल के जो स्टूडेंट्स जो कोर्स परस्यू कर रहे हैं दे आर वेरी मच लकी। हाउ? आपके करिकुलम से, आपके जो यूनिवर्सिटीज का जो आपका पढ़ाने का जो टीचिंग मेथड है, जैसे वेदा का हो गया, लाइक और भी कुछ यूनिवर्सिटीज का टीचिंग मेथड, हम लोग के टाइम पे वो चीज था नहीं। हम लोग को वी हैव टू डिग एंड वी हैव टू कंस्ट्रक्ट आवर ओन पाथ दैट टाइम। आजकल फैसिलिटीज मिल गया है, तो अभी आजकल के जो यंग स्टूडेंट्स है जो परस्यू कर रहे हैं वो तो हम लोगों से भी आगे जाएंगे, उन पे इतना एनर्जी दिखता है। एग्जैक्टली, और उस टाइम पे फिर धीरे धीरे, अब जब मैं अपने उस टाइम पीरियड की बात करता हूँ, जब मैं अपना ग्रेजुएशन खत्म करने वाला था, तो उस टाइम पे फिर धीरे धीरे एक डिमोटिवेशन सा आने लगा कि यार ये तो कॉन्सेप्ट आर्ट का कोई स्कोप है नहीं यहाँ इंडिया में, है नहीं। और कॉमिक इंडस्ट्रीज भी धीरे धीरे डूब रही थी, डूबने के प्रकार में थी, दे वर सिंकिंग। ओके, फिर मैंने थोड़ा कॉम्प्रोमाइज किया मैंने कि क्या किया जाए, और वो एक सोच था, एक डिलेमा में चला गया था कि मैं कुछ और स्ट्रीम इसमें परस्यू करूं या फिर मैं इस चीज को कंटिन्यू करूं। एंड सडनली दैट टाइम आई गॉट अ जॉब एज अ फैकल्टी इन KIIT यूनिवर्सिटी भुवनेश्वर। ओके, तो मैंने सोचा चलो ठीक है, अभी जॉब अपॉर्चुनिटी है, लेट्स मूव टू भुवनेश्वर। छह महीने वहां पे रहा, वहां पे फैशन डिजाइनिंग डिपार्टमेंट में था, मैं बच्चों को फिगर ड्राइंग्स पढ़ाता था। okay. भाई अभी तो इतना कुछ नहीं मिला, तो नहीं से अच्छा कुछ ही सही जो मिल जाए घुस जाओ। और वो छह महीने का टाइम मुझे मिला सोचने के लिए, मुझे माइंड मेकअप करने के लिए, ओके कि यस आई वॉन्ट टू बी 3D मॉडलर। ओके, उस टाइम ट्रांसफॉर्मर्स जैसे पिक्चर मूवीज आ रही थी, पैसिफिक रिम जैसे मूवीज आ रही थी, और दैट टाइम मैंने सोचा कि यार ओके मैकेनिकल हार्ड सरफेस मॉडलिंग, ये सब उस टाइम टर्म्स नहीं मालूम थे, बस इतना पता था कि हाँ यार ये भी तो मॉडलिंग भी तो एक क्रिएशन का ही पार्ट है, थिएटर भी होता है। तो ओके आई वॉन्ट टू बी ए मॉडलर, बट मुझे अब स्पेशलाइजेशन की जरूरत है, तो मैं इंस्टीट्यूट ढूंढने लगा। फिर पुणे मैक में मैंने बात किया, मुझे स्पेशलाइजेशन करना है और आई वॉन्ट टू परस्यू द कोर्स इन मॉडलिंग। तो मैक वालों ने बोला कि नहीं अभी एज ऑफ नाउ वी डोंट हैव दैट काइंड ऑफ स्पेशलाइजेशन कोर्स। हम लोग के पास एक उस टाइम शायद महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड एक ग्रेजुएशन डिग्री वो लोग प्रोवाइड करा रहे थे। ओके, बट मैं ऑलरेडी ग्रेजुएट था, दो बार मैं ग्रेजुएट क्या करता। फिर मुझे एनीब्रेन XDI करके एक इंस्टीट्यूट, जो कि स्कूल ऑफ मीडिया डिजाइन है आज के डेट में, हम लोग के रहते हुए वो नाम चेंज हुआ था XDI टू स्कूल ऑफ मीडिया डिजाइन, वहां के बारे में पता लगा। और मैं पुणे गया, मेरे कजन ब्रदर भी पुणे में ही रहते हैं, तो उनके यहाँ मेरा अकोमोडेशन मैंने देखा और वहां से विजिट किया, और एक साल का स्पेशलाइजेशन प्रोग्राम मुझे पसंद आया कि यार ओके चलो ठीक है, लेट्स गो इनटू दिस, Let's pursue this. जो होगा देखा जाएगा। फिर 3D स्ट्रीम पे आया, 3D स्ट्रीम पे आया, और फिर ड्यूरिंग दैट कोर्स मेरा विजन थोड़ा सा और कंसोलिडेट हुआ कि रादर देन गोइंग फॉर द मूवीज आई थिंक आई शुड हैव टू प्रिफर गेमिंग स्ट्रीम। ओके, क्योंकि जो कैरेक्टर्स और ये सब है वो गेमिंग कैरेक्टर्स वगैरह मेरे को बहुत अट्रैक्ट किए थे। फिर मैं गेमिंग स्ट्रीम के लिए मैंने काम किया, और धीरे धीरे साथ ही साथ मैं अपने कॉन्सेप्ट आर्ट के स्किल्स को भी मैं डेवलप कर रहा था। तो ये आपने जो एनीब्रेन ज्वाइन किया वहां पर भी इसकी पढ़ाई हुई? वहां मैंने 3D में किया, स्पेशलाइज्ड इनटू 3D। ग्रेजुएशन में क्या होता है कि एवरीथिंग इज कंबाइंड ओवर देयर, लाइक 2D 3D सब कुछ, बट एक स्पेसिफिकेशन जो 3D का है, तो मैं 3D का स्टूडेंट था, मैंने कॉन्सेप्ट आर्ट का पढ़ाई मैंने किया नहीं था। गेमिंग से मैं काफी गेमिंग स्ट्रीम से मेरे को काफी लगाव था गेमिंग इंडस्ट्री से। दैट टाइम मुझे एक पैशन था कि भैया मेरे को गेमिंग इंडस्ट्री में जाना है।
And I want to work for AAA Games as a concept artist. As a concept artist. तो लेकिन उस टाइम पे मुझे बहुत मुश्किल लग रहा था कि एज अ कॉन्सेप्ट जो मेरा विजन था जो मेरा सपना था वो चीज को पूरा करने के लिए क्योंकि जो कॉन्सेप्ट आर्ट और एंटरटेनमेंट डिजाइन का जो स्ट्रीम था वो अब्रॉड में ही था. ओके सपोज यहाँ का कोई आपके पुणे में दो इंटरनेशनल गेमिंग फर्म है. वन इज यूबीसॉफ्ट एवरीवन नोस. करेक्ट. अनदर वन इज आई थिंक सुमो गेम्स. बट इनका जो जो ब्रेनस्टॉर्मिंग और आर्टवर्क होता है ये उन्हीं के कंट्रीज में ही होता है. यूबीसॉफ्ट का जो ब्रेनस्टॉर्मिंग और जो एंटरटेनमेंट डिजाइन पोर्शन है और जो आपका जो जो ट्रिपल ए मॉडलिंग्स होते हैं जो स्कल्पटिंग ZBrush मॉडल जिसको आप बोलते हो वो सब वहीं पे ही उस टाइम बनते थे. इंडिया में यहाँ पे खाली लो पॉली मतलब हाई पॉली को लो पॉली करने का डेसिमेशन का उस टाइम काम चलता था. सिर्फ टेक्निकल काम यहाँ पे आता था क्रिएटिव काम बाहर ही होता था. एग्जैक्टली हाई स्किल्ड जो स्किल्ड लेबर्स वाला जो काम होता है वो उस टाइम यहाँ दैट टाइम दे गिव टू दे यूज्ड टू गिव टू इंडिया. और ब्रेनस्टॉर्मिंग वाला दे डोंट ट्रस्ट दैट टाइम. अब धीरे धीरे सब चीज डेवलप हो रहा है. ये कब की बात है? यू नो अ गुड सिंबल. ये है 2014 की बात. हाँ क्योंकि हम लोग भी ये देख रहे हैं ऑब्जर्व कर रहे हैं कि पिछले 3-4 सालों में ही प्री प्रोडक्शन एज एन इंडस्ट्री इंडिया में ग्रो होना शुरू हुआ है जिसमें ओरिजिनल और क्रिएटिव कंटेंट जो है अब यहाँ पे भी प्रोड्यूस होना शुरू हो रहा है. एग्जैक्टली तो क्योंकि धीरे धीरे लोगों में अवेयरनेस बढ़ रहा है ना. ये आप कोई भी स्ट्रीम हो इट्स नॉट ओनली अबाउट एनिमेशन स्ट्रीम. ये कोई भी आप स्ट्रीम उठाइए उसको इवॉल्व होने में टाइम लगता है. करेक्ट. इवन हम लोगों से पहले भी जो लोग स्ट्रीम पे रहे होंगे वो लोगों ने तो हम लोगों से भी ज्यादा प्रॉब्लम फेस किए होंगे. सही बात है. आज के डेट में एनिमेशन स्ट्रीम में कम से कम आज का जो स्टूडेंट पास आउट होगा वो मेरे ख्याल से शायद अपना डिजायरेबल स्ट्रीम को गेन कर सकता है. एग्जैक्टली ज्यादा एवेन्यूज है आज. ज्यादा एवेन्यूज है और एकेडमिक्स में भी मुझे लगता है कि काफी यू नो एवोल्यूशन आया है इस चीज में. Then, करंट ऑर्गेनाइजेशन पे जी जो आपने अपनी ऑर्गेनाइजेशन अभी खोली है फिर वो कैसे खुला? उसी का ही बता रहा बहुत ट्विस्टिंग स्टोरी है कैसे मैंने क्यों खोला. खोलने के पीछे भी एक रीजन था. मैं कभी सोचा नहीं था कि मैं कभी एंटरप्रेन्योर बनूंगा और मुंबई में जाके अपना कंपनी का स्टार्टअप करूंगा. मैं खुद डरता था इस चीज से. फिर उसके बाद स्ट्रीम मिल नहीं रहा था. देन थोड़ा अब क्या है कि जॉब करना था. आपने इतना पढ़े हो आप घर वालों से पैसे लिया है स्पेशलाइजेशन किया है इज्जत का भी सवाल है. घर वाले नहीं तो कल को पूछेंगे बेटा इतना पढ़ा था क्या कर रहे हो. सही तो अपना वो इज्जत बचाने के लिए मैं VFX इंडस्ट्री में घुसा और मैंने 2 महीना मतलब पूरा डेडिकेशन के साथ डॉन ऑफ जस्टिस नाम का प्रोजेक्ट था जनरेट में मैं उस चीज में काम किया और 2 महीने बाद मैं उब भी गया. वो प्रोजेक्ट खत्म हुआ मैं उब गया. आई गॉट अ फोन फ्रॉम चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी. ओके मैं चंडीगढ़ देन आई मूव टू चंडीगढ़. वहां फैकल्टी एज ए फैकल्टी में बच्चों को पढ़ाया बट लकीली मुझे सब्जेक्ट भी कॉन्सेप्ट आर्ट का मिला. wow. और पढ़ाते पढ़ाते मैं खुद स्किल को डेवलप किया फिर और मुझे एक तरह से जॉब भी मिल गई थी एक अपॉर्चुनिटी भी मिली थी कि व्हाटसोएवर एक्सपीरियंस आई हैव गेन आई कैन इंपार्ट टू द स्टूडेंट्स. एंड इन द मीन टाइम अपने स्किल्स पे काम करना और धीरे धीरे ये एक आइडिया आया कि मुझे भी अपना एक सेटअप करना चाहिए क्योंकि मैं ऑलरेडी थोड़ा बहुत ये घूमते फिरते एक्सपीरियंस ही गेन किया है. सेटअप मैंने किया और फिर उसके बाद उसको टीचिंग के साथ साथ धीरे धीरे उस चीज पे काम किया. देन सडनली ईमानदारी के साथ अपना जो टीचिंग वाला टर्म है मैंने पूरा किया. जो सेमेस्टर्स है मैंने पूरा किया और वहां से सारे फॉर्मेलिटीज क्लियर करके मैं मुंबई निकला. एंड दैट टाइम इनिशियली आई वॉज वर्किंग एज अ सेट डिजाइनर. ओके And I it for a movie and it was contract based. वो चीज over हुआ. उसके बाद फिर मैं एक मुंबई में एक स्टूडियो है जवादी स्टूडियो. Okay. वहाँ पे
वहां पे जूनियर कॉन्सेप्ट आर्टिस्ट, एज अ जूनियर कॉन्सेप्ट आर्टिस्ट मैंने काम किया. सीनियर कॉन्सेप्ट आर्टिस्ट था वो ऑलरेडी सीईओ था. ओके. उसके अंडर में मैंने काम किया. देन आई गॉट गेन सम कॉन्फिडेंस एंड दैट टाइम आई लर्न दैट हाउ टू हैंडल द प्रोजेक्ट्स. मैनेजमेंट स्किल्स भी मैंने अपार्ट फ्रॉम स्केचिंग एंड टेक्निकल स्किल्स मैंने मैनेजमेंट स्किल्स भी सीखा. एंड कुछ इश्यूज हुआ था वहाँ पे कुछ प्रोजेक्ट्स को लेके उस स्टूडियो में, तो उनको शट डाउन करना पड़ रहा था. ये एंटरटेनमेंट डिजाइन का सेक्टर. अच्छा. शायद उनका, और वो कम्प्लीटली वो स्टूडियो मूव कर गया एडवर्टीजमेंट्स पे. ओके. लाइक आफ्टर इफेक्ट्स एंड मोशन ग्राफिक स्टफ्स. इज इट बिकॉज़ दैट इज इजीियर टू मनी? नो, इट्स ऑल अबाउट यू नो, फर्स्ट ऑफ ऑल इन दैट एंटरटेनमेंट डिजाइन सेक्टर वहां पे मैन पावर था नहीं. आफ्टर इफेक्ट्स का मैन पावर भी आपको मिल जाएगा क्योंकि एंटरटेनमेंट डिजाइन अभी बहुत नया स्ट्रीम है, इमर्जिंग स्ट्रीम है इंडिया में. ओके. जो कि पहले सिंगापुर और यूएस में होता था, और उसकी पढ़ाई करने के लिए भी वहीं पे जाना पड़ता था. फिर वैसे से टाइम बीता. फिर देन आई वाज वर्किंग एज अ फ्रीलांसर. मैंने स्टोरी बोर्ड्स, प्री प्रोडक्शन के प्रोजेक्ट्स किए, और उस टाइम मुझे पता चला कि एक्चुअली काम बहुत है मार्केट में. काम बहुत है, काम देने वाले भी बहुत है, बट काम करने वालों की कमी है. डिमांड थी, इसलिए मैंने सेटअप किया, अपना स्टार्टअप किया, और उसको अभी 2 साल हो चुका है. धीरे धीरे अपना प्रोजेक्ट्स को बढ़ाया. अभी धीरे धीरे कॉन्सेप्ट आर्ट का भी प्रोजेक्ट, इनिशियली स्टोरी बोर्डिंग फॉर कमर्शियल्स एंड स्टोरी बोर्ड फॉर फीचर फिल्म्स. उसके बाद फिर एनिमेशन सेक्टर पे गया, तो एनिमेटिक्स पे गए. फिर धीरे धीरे कॉन्सेप्ट आर्ट पे आए, और अभी कुछ यूएस के भी कुछ क्लाइंट्स हैं हम लोग के पास जो अपना इलस्ट्रेशन एंड कॉन्सेप्ट डिजाइनिंग का प्रोजेक्ट्स दे रहे हैं, एंड वी आर वर्किंग ऑन इट. अरे वाह, वेरी गुड. सो दिस इज माय जर्नी, द लॉन्ग जर्नी ऑफ 8 year लॉन्ग जर्नी फ्रॉम अ स्टूडेंट टू एन एंटरप्रेन्योर. बढ़िया. सो ये बताइए कि अब मार्केट सिनेरियो जो है वो पिछले सालों में खासतौर से कॉन्सेप्ट ड्राइंग पे आगे क्या क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और जो हमारे स्टूडेंट्स इस चीज में इंटरेस्टेड है उन लोगों ने कैसे और तैयारी करनी चाहिए, दैट इज वन. द सेकेंड क्वेश्चन इज कि अभी जो हम कोरोना के लॉकडाउन सिचुएशन में हैं, तो हाउ डू यू थिंक दिस विल अफेक्ट दिस मार्केट? ओके, सो टू क्वेश्चंस आर देयर. फर्स्ट ऑफ ऑल, पहला चीज तो मैं ये बताऊंगा कि आपका क्वेश्चन ये था कि स्टूडेंट्स को किस तरह से ये चीज परस्यू करना चाहिए, राइट? एग्जैक्टली. और कॉन्सेप्ट आर्ट का फ्यूचर में क्या स्कोप है? एग्जैक्टली, क्योंकि अभी वो कॉलेज से पास आउट हो रहे हैं, तो दे जस्ट, और उसका स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछूं तो ये है कि स्कोप है कि नहीं है, राइट? नहीं, स्कोप तो मेरे ख्याल से है, एज यू सेड कि अभी कॉन्सेप्ट आर्ट भी इंडिया में ग्रो कर रहा है, लेकिन व्हाट आर द स्पेसिफिक स्किल्स जो इंडस्ट्री में लोग सीख करते हैं लेकिन एकेडमिक्स नहीं दे पा रहा है अभी, तो वो जो गैप होता है. ओके, फाइन फाइन. स्टूडेंट वर्सेस व्हाट इज रिक्वायर्ड इन द इंडस्ट्री, एजुकेशन वर्सेस रियलिटी फील्ड, उसका जो आप डिफरेंस है, यू आर आस्किंग दैट. यस यस. अच्छा, पहला चीज तो मैं एक ये थोड़ा आउट ऑफ टॉपिक रहेगा, बट मैं एक बहुत जनरल चीज बताने वाला हूँ. स्कोप जो है, चाहे वो ब्रेनस्टॉर्मिंग का हो, चाहे वो आपका जो टर्चरी वर्क है, जैसे लाइक जो फाइनल टचअप होता है, जिसको आप कलर ग्रेडिंग एडिटिंग, जिसका स्कोप ऑलरेडी हमारे पास था, दोनों अभी इंक्रीज होंगे. कैसे होंगे? आप देखिए, पहले के टाइम पे मीडियम्स क्या था? पहले के टाइम पे मीडियम्स थे ये जो टीवी चैनल्स है, राइट? आज के टाइम पे मीडियम्स क्या है? टीवी चैनल्स अलॉन्ग विथ योर यू नो स्ट्रीमिंग चैनल, स्ट्रीमिंग्स लाइक नेटफ्लिक्स, Amazon Prime, Hotstar. तो प्लेटफॉर्म्स बढ़ रहे हैं, तो ऑब्वियसली प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगा. प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा तो नो डाउट डिमांड भी बढ़ेगा. इंटरनेशनल मार्केट के हिसाब से जो हमारा एक्सपीरियंस है, उन लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि हम लोग स्किल्ड है, हम लोग डेडिकेटेड है, हम लोग पंक्चुअल है, इंडियंस, राइट? हम लोग इंडियंस, और हम लोग कमिटमेंट पे फोकस रखते हैं. अरे वाह. ऑलराइट. और
इसलिए दे प्रिफर अस फर्स्ट, क्योंकि उनके बजट पे मेन चीज होता है, क्योंकि बजट पे बजट फ्रेंडली होना चाहिए. अब वहीं पे कोई एक वेस्टर्नर होगा वो पर आवर के हिसाब से अर्न करेगा और उनके ये कुछ डूज एंड डोंट्स होते हैं कि हम इतने टाइम पे अब हम काम नहीं करेंगे, वीकडेज में वीकेंड्स में हमको मतलब आप बॉदर मत करिए, दिस दैट एंड ऑल फाइन. तो ये हम उन लोगों का रेपुटेशन है हम लोगों के लिए. तो ऑब्वियसली इसका स्कोप जो है धीरे धीरे आ रहा है. दिस इज व्हाट आई एम एक्सपीरियंसिंग फ्रॉम द लास्ट टू इयर्स. ओके. और बिलीव मी कि मैंने कभी उस टाइम पे सोचा नहीं था कि मैं कभी कॉन्सेप्ट आर्टिस्ट बन पाऊंगा और धीरे धीरे इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स पे भी बीइंग अ कॉन्सेप्ट आर्टिस्ट मैं काम करूं. पहला चीज ये है. नेक्स्ट है अबाउट स्टूडेंट, किस तरह से वो जो डिफरेंशिएशन है जो एक एकेडमिक से प्रोफेशनलिज्म पे, वो तो एक्चुअली एकेडमिक्स में ओके फ्रॉम वेयर दे आर गोइंग उनको एक जो सॉरी टेक्नोलॉजी से फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपके जो टूल्स है उनसे एक तो उनको अवेयर रहना पड़ेगा. ओके. टूल्स इट्स नॉट ओनली अबाउट द सॉफ्टवेयर. टूल्स में जैसे मार्केट में जो नया आपके गैजेट्स भी आते हैं, समथिंग लाइक जैसे पहले सिंटीक था, आजकल आईपैड प्रो है. आजकल लोग डायरेक्टली आईपैड प्रो में ड्रॉ करते हैं, उसका सिर्फ अवेयरनेस रहना चाहिए. दूसरा चीज ये एक्सप्लोरेशन. ओके. एक्सप्लोरेशन बीइंग अ कॉन्सेप्ट आर्टिस्ट यू हैव टू एक्सप्लोर द थिंग्स फ्रॉम डजंट मैटर कि आप मैकेनिकल स्टफ्स पे को एक्सप्लोर कर रहे हैं या फिर आप नेचर को एक्सप्लोर कर रहे हैं, एक्सप्लोरेशन होना चाहिए. थर्ड आपका होना चाहिए ऑब्जर्वेशन. यस. और फोर्थ चीज होना चाहिए कमिटमेंट, सबसे इंपॉर्टेंट चीज. कि कमिटमेंट, इसके पीछे भी काफी सारे हिडन चीजें हैं. जैसे सपोज कमिटमेंट तो एक वर्ड है, उसके पीछे क्या होता है कि सपोज आपका टारगेट मिला है कि इन टू डेज यू हैव टू यू नो कंप्लीट दिस स्टफ. वो कमिटमेंट है कि दो दिन में आपको कंप्लीट करना है. तो उसके लिए क्या करेंगे कि स्टूडेंट्स को थोड़ा ट्रिकी भी होना पड़ेगा, तो कुछ शॉर्टकट्स भी अपनाने पड़ेंगे, कुछ इमेज बैशिंग प्रोसेसिंग भी अपनाने पड़ेगा टू गेट द वर्क डन रादर देन गोइंग थ्रू द टेक्निकल, नॉट द टेक्निकल, द ट्रेडिशनल वे. तो उस चीज का भी कमिटमेंट का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, प्रोडक्टिविटी का ध्यान रखना पड़ेगा. और दूसरी बात ये है कि लेट देम एक्सप्लोर द थिंग्स. ये उनका टाइम है, उनको एक्सप्लोर करने दीजिए. और जो भी ये जो मैं कमिटमेंट्स और जो टेक्निकल शॉर्टकट्स है, ये सब स्टूडेंट्स इंडस्ट्री में आके ही सीखेंगे. क्योंकि ये चीज मैं भी अभी डिफाइन नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि जैसे प्रोजेक्ट्स होते हैं, हर प्रोजेक्ट्स का एक अलग अलग चैलेंजेस होता है. करेक्ट. और वो चैलेंजेस रहेगा, सर पे प्रेशर रहेगा तो फिर उसके प्रेशर में आके भी लोग सॉल्यूशंस निकालेंगे. Which is very important कि जो प्रेशर होती है उसमें हम लोग प्रॉब्लम सॉल्विंग और डिसीजन मेकिंग कैसे करते हैं. Exactly. और वो डिसीजन मेकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग जो होगा उस वो एक एक्सपीरियंस ऐड हो जाएगा, ताकि नेक्स्ट प्रोजेक्ट में कुछ उसके सिमिलैरिटी वाले कुछ प्रॉब्लम्स आए, वो चुटकी में सॉल्व हो जाए, फिर एक नया प्रॉब्लम साथ में लेके आएगा, उसको आपको काउंटर फाइट करना है. Exactly. तो एक फ्रेशर और एक्सपीरियंस के बीच में यही डिफरेंशिएशन होता है कि वो प्रॉब्लम फेस करते करते वो आगे बढ़ता है. जबकि कुछ कई केसेस में ऐसा भी होता है कि फ्रेशर का जो एस्थेटिकली फ्रेशर का काम जो है वो एक एक्सपीरियंस वाले से ज्यादा क्वालिटेटिव होता है, बट स्टिल दैट गाय इज अ फ्रेशर. व्हाई? बिकॉज ही इज नॉट अवेयर विद द प्रॉब्लम्स, अपकमिंग प्रॉब्लम्स गोइंग टू हैपन विद हिम. सो दिस ऑल्सो ब्रिंग्स मी टू द नेक्स्ट क्वेश्चन कि आप एज एन एंटरप्रेन्योर आपको हर दिन डिसीजन मेकिंग करना पड़ता है अलग अलग, तो क्या क्या फैक्टर्स हैं जो ध्यान में रखने पड़ते हैं? क्योंकि हमारे भी कई सारे स्टूडेंट्स हैं जो अपना खुद का स्टूडियो या कुछ खुद का फ्रीलांसिंग या मतलब जॉब ना करते हुए खुद का कुछ करना चाहते हैं, तो उन्हें किन का ख्याल रखना चाहिए? फाइन.
के जो स्टूडेंट्स हैं जो जॉब नहीं करते और सीधे फ्रीलांसिंग पे स्टार्ट किए हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल उनके लिए पहला डिसीजन मेकिंग होता है कि आप जब मल्टीपल टास्क करते हो तो आपको कौन सा टास्क किस प्रायोरिटी पे रखना है, वो एक सबसे बड़ा चैलेंज होता है. ओके, बीइंग अ फ्रीलांसर, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि अब हम लोग फ्रीलांसर, बीइंग अ फ्रीलांसर हम लोग काम करते हैं, तो एक 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 नेचर होता है कि फ्रीलांसर जो होता है प्रोजेक्ट्स का बहुत लोभी होता है. वो मेरे में भी, कल आप भी करेगा तो आप भी चाहेगा कि यू हैव, यू विल रन विद मल्टीपल प्रोजेक्ट्स. प्रोजेक्ट्स बढ़ेगा, डिमांड बढ़ेगा, राइट? क्लाइंट्स भी मतलब क्यूब रूट और स्क्वायर रूट के फॉर्म पे मल्टीप्लाई भी होते रहते हैं अगर आप सक्सेसफुली काम करते रहे. तो पहला चैलेंज ये होता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आप उतना ही लो जितने, एक कहावत है ना कि चद्दर उतनी रखनी चाहिए जितना टांगे उतनी फैलाओ जितनी चद्दर है. करेक्ट, एग्जैक्टली. आप एक आदमी हो, आपकी एक आदमी की क्षमता है, तो आप प्रोजेक्ट आप उसी हिसाब से लो, आप दो प्रोजेक्ट मत लो. आप नाम बनाने के चक्कर में आप नाम खराब करोगे. वेरी इंटरेस्टिंग. ऑलराइट, क्योंकि नेगेटिविटी जो होती है पॉजिटिविटी से ज्यादा फैलता है. आप तीन प्रोजेक्ट में से दो सक्सेसफुली कर लिए, ऑलराइट, एक में आप फेलियर है, जो एक में जो फेलियर वाला क्लाइंट होगा वो आपका नेगेटिव फीडबैक जाके छह लोगों को देगा कि डोंट गो विद दिस, डोंट गो विद दैट पर्सन. ऑलराइट, तो इस चीज का पूरा ध्यान रखना चाहिए. दूसरा ध्यान ये रखना चाहिए कि क्लाइंट को आप सुनो, क्लाइंट को सुनो. और एक बहुत इंपॉर्टेंट स्किल होना चाहिए कि क्लाइंट के लिए अगर आप काम करते हो तो उसके विजन के साथ you just try to sync with his or her vision. The client चाहता क्या है? Okay. Third चीज ये है कि आप कभी भी project client के लिए project लेते हो तो भाई reference जो भी आप उसको दिखाते हो वही reference दिखाओ जो आपने खुद से किए. Alright. Suppose मुझे एक animated movie बनाना है, मेरे पास एक client आया और मैं ड्रीमवर्क्स का रेफरेंस लेके दिखा दिया कि अजी ये देखो ये वाला, ये क्वालिटी आपको चाहिए, ये हम दे देंगे. ऑलराइट, क्लाइंट का बजट कितना होगा? क्या वो क्लाइंट ड्रीमवर्क्स जितना बजट देगा? क्या वो थाउजेंड्स करोड़ ऑफ क्रोर्स देगा? वो बेचारा अपना 10 या 12 करोड़ का बजट लेके आया होगा और आप उसको 1000 करोड़ के बजट का मूवी का रेफरेंस दिखा रहे हो जिसको बनने में प्रोडक्शन कॉस्ट ही कम से कम 1000 करोड़ है. ऑलराइट, रेंडर फार्म्स लगे होंगे, कितने आर्टिस्ट, कितने हाई स्किल्ड आर्टिस्ट होंगे. तो ये कभी नहीं करना स्टूडेंट को. वही दिखाओ जो आपने खुद से किए हो. इवन किसी थर्ड पर्सन के भरोसे भी मत बैठो कि भाई मेरा दोस्त को आफ्टर इफेक्ट्स आता है तो मैं अपने दोस्त के स्किल के बेस पे मैं प्रोजेक्ट ले रहा हूं. करेक्ट, क्या मालूम आपका दोस्त उसको फुलफिल ना कर पाए, वो टेस्ट फुलफिल ना कर पाए, कुछ डिस्प्यूट हो जाए. आप शुरू इनिशियली आपके बस में जो चीज होना चाहिए आपको वही क्लाइंट को दिखाना चाहिए. ठीक है, मेरा स्केचिंग का है, मैं क्लाइंट को स्केचिंग दिखाऊंगा. हाँ भाई ये मैंने बनाया है, आई कैन गिव यू दिस काइंड ऑफ क्वालिटी. ऑलराइट, चाहे क्लाइंट आए या जाए, जाएगा तो ठीक है कोई बात नहीं, दूसरा एक जाएगा दूसरा आएगा, बट आएगा तो एटलीस्ट नेगेटिव फीडबैक नहीं लेके जाएगा, आपका प्रोजेक्ट का पूरा होल्ड, आपका स्किल का होल्ड जो है रहेगा. वैल्यू रखता है कि जो खुद का स्टार्टअप करना चाहते हैं तो एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल वही है, हाउ टू हैंडल द क्लाइंट्स. मल्टीपल प्रोजेक्ट्स होते हैं, एक कंपनी को अगर आपको चलाना है तो आपको मल्टीपल प्रोजेक्ट्स चाहिए ही चाहिए स्टार्टअप. आप एक छोटा सा प्रोजेक्ट लेके आप स्टार्टअप नहीं कर सकते. और दूसरा चीज है कि अगर जो स्टार्टअप किया है, आप मुझे एक स्ट्रीम बताइए, आपके एनिमेशन स्ट्रीम में से एक एग्जांपल दीजिए, मैं उसी को लेके उसका एक स्ट्रक्चर मैं आपको बता दूंगा. सपोज एक स्टूडेंट ने एनिमेशन स्टूडियो खोला, राइट, एक एनिमेशन स्टूडियो का स्टार्टअप. ऑलराइट, फाइन, तो दो डिविजन उसको बनाने चाहिए स्टूडेंट्स को. और स्टार्टअप में तो पता ही, एक्स्ट्रा टाइम तो करना ही पड़ता है. दो डिविजन्स में से एक डिविजन ऐसा होगा जो आपका सर्विस बेस्ड प्रोजेक्ट्स करेगा. सर्विस बेस्ड प्रोजेक्ट्स क्या होगा कि इनिशियली आपका एक मंथली इनकम जनरेटर होगा. सही बात है. स्टार्टअप के लिए सबसे बड़ी चीज पैसा होना चाहिए. आप आइडियोलॉजी के बेस पे आज के डेट में किसी आर्टिस्ट को ला नहीं सकते.
आर्टिस्ट को आप तभी ला सकते हो जब आप उसका जेब भर सकते हो, उसके डिमांड्स आप पूरी कर सकते हो सैलरी के फॉर्म पर। और दूसरा चीज है कि अगर आप सर्विस प्रोवाइडर बने हुए हैं तो आपको साइमल्टेनियसली इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज पे भी ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि एक यही चीज है जो आपके स्टूडियो को बूम कर सकती है। सर्विस प्रोवाइडर आपके बूम को सर्वाइव करवा सकती है, बट बूम और ग्रोथ के लिए आपको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी पे ही जाना पड़ेगा। सही बात है, खुद का एक खुद का जो थर्ड चीज थर्ड चीज होना चाहिए कि बहुत लोग अक्सर ये स्किप कर जाते हैं। हम लोग के जो एल्डर्स जो है इस स्ट्रीम पे, एक हम लोग का जनरेशन है, हम लोग का पहले वाला जनरेशन ने एक बहुत बड़ी गलती की थी। गलती ये किया था, जॉब मिल गया, ओके मुझे जॉब मिल गया, मैं एक एनिमेटर बन गया, मुझे डिज्नी में मिल गया या पिक्सार में मिल गया, मैं गया वहां पे जॉब किया, मेरा किस्सा यहाँ पे खत्म। ऑलराइट, हमने कभी भी इस स्ट्रीम को पास्ट में कभी एडवर्टाइज और लोगों में अवेयरनेस नहीं फैलाया। एक स्टार्टअप खुलता है, ये दो पॉइंट्स तो मैंने बताया, सर्विस प्रोवाइडर, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। थर्ड चीज है ब्रांडिंग में लोगों को ध्यान देना चाहिए, ब्रांडिंग और पीआर में। लोग अभी भी बोलते हैं अरे यार क्यों पैसा फेंके पीआर में, इसका बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। जितनी भी स्ट्रीम्स आपकी हाईलाइट हुई है आज के डेट में, वो सब पीआर और ब्रांडिंग के हेल्प से ही हुआ है। वेरी इंटरेस्टिंग। तो एक छोटे लेवल पे ही सही, बट उसका आपको एक ब्रांडिंग करना चाहिए। आपको सोशल नेटवर्किंग पेजेस है, लाइक लिंक्डइन में आपको कंपनी पेज बनाना चाहिए, और फेसबुक पे, पर्सनली मैं बोलूँ फेसबुक का इतना इफेक्टिव है या नहीं है आई डोंट नो, लिंक्डइन में और आपको ट्विटर में और इंस्टाग्राम, ये तीनों में उनको अपना पेज बनाना चाहिए। और पेज बनाने मतलब ये नहीं कि आप पेज बना के रख दिए आप कुछ भी पोस्ट करो, नहीं, आपको कैंपेनिंग्स चलानी चाहिए। ओके, स्टूडियो को सपोज आपने एक स्टूडियो खोला, ऑलराइट, आपने एक स्टूडियो खोला और आप एक कैंपेन चला रहे हो, इनडायरेक्टली कैंपेन चलाओ कि मैं ड्रॉ समथिंग दिस हैशटैग करो इतना, क्योंकि ये मैटर करता है कि आपके स्टूडियो का नाम किसी जनरल पब्लिक तक पहुंचे। यस, राइट, सही बात। ग्रीन गोल्ड भी अपना इतना मार्केटिंग नहीं कर पाया जितना उसको करना चाहिए था। ग्रीन गोल्ड को लोग छोटा भीम के हिसाब से जानते हैं, छोटा भीम को ग्रीन गोल्ड के हिसाब से नहीं जानते हैं। Exactly. अब आप सेम आप अब्रॉड में देखिएगा तो जो श्रेक है या फिर कुंग फू पांडा है, उसको लोग ड्रीमवर्क्स की वजह से जानते हैं। ठीक है, अलादीन को डिज्नी की वजह से डालते हैं। ऑलराइट, लेकिन छोटा भीम को ग्रीन गोल्ड के वजह से नहीं जानते, ग्रीन गोल्ड को छोटा भीम के वजह से जानते हैं। आई थिंक दैट्स अ वंडरफुल पॉइंट। या तो अब हम लोग अपना थोड़ा आखिरी क्वेश्चन की तरफ आ रहे हैं, और वो ये है कि हमारे स्टूडेंट्स जो हैं अभी वो अपना पोर्टफोलियो बना रहे हैं, अपनी शो रील बना रहे हैं, तो व्हाट आर कॉमन मिस्टेक्स व्हिच फ्रेशर्स मेक व्हेन दे आर, जब वो अपना पोर्टफोलियो या शो रील बना रहे हैं, और उसके लिए क्या गाइडलाइंस होनी चाहिए? गाइडलाइंस, ओके, डिपेंड करता है वो किस चीज में बना रहे हैं। सपोज आपके स्टूडेंट्स जैसे 3D में बना रहे हैं, गाइडलाइंस, तो पहला चीज ये है कि आप वो मत बनाइए जो कि ऑलरेडी 10 लोग बना चुके हैं और वो चीज बहुत कॉमन हो चुका है। सपोज एग्जांपल, हम लोग जब कॉलेज में थे तो हम लोग के टाइम पे जो 3D में सबसे एक फेमस कैरेक्टर हुआ करता था और बहुत चैलेंजिंग कैरेक्टर हुआ करता था, दैट वाज ऑप्टिमस प्राइम, ओके, ऑफ ट्रांसफॉर्मर्स। ये हो गया आपका हार्ड सरफेस में। ऑर्गेनिक में हुआ करता था टेरानोसॉरस रेक्स, टीरेक्स डायनासोर। अच्छा। हर तीसरा आदमी टीरेक्स बनाने में लगता था, ठीक है। और अभी क्या होता है ना, कुछ चीजें अब तो नेटफ्लिक्स वगैरह आ गया, तो कुछ चीजें मतलब कुछ कैरेक्टर्स हो गए जो हर आदमी बनाने में लगा है, जैसे कि जी ब्रश में हुसैन दीवा ने कौन सा जॉन स्नो बनाया, तो सब इंस्पायर होते जॉन स्नो। तो वो चीज स्टूडेंट को नहीं करना चाहिए, इसलिए नहीं करना चाहिए, ओके वो जॉन स्नो बना भी देगा, बट जो स्टूडियो में बैठा जो बंदा, जो सुपरवाइजर होगा या फिर जो उनका पोर्टफोलियो चेक करेगा,
उसके दिमाग में ये होगा तो भैया ये तो यार जॉन स्नो का मॉडल तो इतना कॉमन हो गया था, उठा के कॉपी पेस्ट कर दिया, आप क्या कर सकते हो किसी को सोच में? तो आप कुछ यूनिक चीज बनाइए, आप एक अलग कुछ यूनिक सा आप क्या बोलते हैं, एक एडवाइस है मेरा, अगर कुछ बनाना है अगर हार्ड सरफेस मॉडलिंग में तो जो नेल होता है जो कील राउंडेड स्पाइरल कील आप वो बनाइए रेदर देन मेकिंग जॉन स्नो। ओके, दूसरा चीज ये है कि लेट इट बी यू नो लेट मेक इट सिंपल एंड स्पेसिफिक। स्पेसिफिक मतलब कि जैसे कि आप मॉडलिंग का शोरील बनवा रहे हैं तो आपसे मॉडलिंग का ही शोरील बनाओ, आप वायर फ्रेम्स दिखाओ, आप उसका टेक्सचर मत दिखाओ। ओके, क्योंकि टेक्सचर क्या होता है कि टेक्निकल एस्पेक्ट में अगर बात करें जैसे टेक्सचरिंग हो गया, टेक्सचरिंग मॉडलिंग के मिस्टेक्स को हाइड कर देता है। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है आपके गेमिंग कैरेक्टर्स। गेमिंग कैरेक्टर्स का इतना लो पॉली और लो क्वालिटी मॉडल होता है बट वो इतना रियलिस्टिक लगते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ टेक्सचर। वैसे ही अगर आप एनिमेशन का अगर आप बना रहे हैं तो आप एनिमेशन का रील बनाइए, बट जैसे सपोज आप एक हॉर्स का रन साइकिल बना रहे हैं, घोड़े का रन साइकिल बना रहे हैं, या कोई क्रीचर का वॉक साइकिल बना रहे हैं, डोंट फॉरगेट टू मेंशन द नेम ऑफ अ मॉडलर जब तक आप खुद मॉडलिंग नहीं करते। आप मॉडलर का मॉडलर या फिर मॉडलिंग या टेक्सचरिंग जो भी किया उसका नेम मेंशन करिए और एनिमेशन का अपना नाम स्पेसिफाई करिए कि ओके आई एम जस्ट डूइंग द एनिमेशन। नहीं तो क्या होता है, सुपरवाइजर आपका पोर्टफोलियो देखा, वो देखा यार ये तो मॉडलिंग भी अच्छा कर रहा है, ये तो टेक्सचरिंग, अरे यार ये तो 3D जर्नलिस्ट ले लो इसको, और दैट टाइम यू आर नॉट एबल टू परफॉर्म इन योर मॉडलिंग और टेक्सचरिंग स्किल्स, तो एक नेगेटिव फीडबैक लेके आप जाते हैं। आई थिंक दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। तो आप ये कह रहे हैं कि अगर मुझे एनिमेशन का दिखाना है तो मैं मॉडल किसी और का भी यूज कर सकता हूँ, वहां पे उसको क्रेडिट दे दूं और फिर जो काम बच्चे कर रहे हैं exactly. कर दे अपने नाम के साथ। ग्रेट, इवन रिगर का भी आपको नाम मेंशन करना पड़ेगा। करेक्ट, हम जिसमें कर रहे हैं उसका हमने नाम डाल दिया और बाकी सबका अलग अलग लोगों को क्रेडिट्स दे दिया। आई थिंक दैट्स अ वन। और जो थर्ड चीज है कि आप शोरील बनाते हैं, आप कोई कॉपीराइटेड म्यूजिक को यूज मत करिए। नो डेथ मेटल, नो लिंकिन पार्क, नो मैं डेथ मेटल लिंकिन पार्क इसलिए बोल रहा हूँ कॉलेज टाइम में हम लोग का ये बहुत पॉपुलर था। अभी नो हाउस म्यूजिक, नो डेविड गुएटा, कुछ नहीं। आप लाइसेंस फ्री म्यूजिक यूज करिए, कुछ साइट्स है जहाँ पे आपको रॉयल्टी फ्री म्यूजिक मिलेंगे। उससे क्या होता है कि आप म्यूजिक यूज करते हैं तो क्या होता है कि जो कंपनीज है, जो म्यूजिक वाली कंपनीज है, उनको पता चल जाता है और आपका सीधे कंटेंट ही बैन कर देते हैं। आपने खुद भी यूट्यूब में आपने देखा होगा, कुछ आप खोलते होंगे तो दिस कंटेंट इज हैविंग कॉपीराइट इश्यूज करके लिखा हुआ जाता है। करेक्ट, ऑलराइट। तो ये या तो अगर आप वो चीज यूज करें, अगर हाँ किसी कोई स्टबर्न है, नहीं मैं तो लिंकिन पार्क का म्यूजिक ही यूज करूंगा, इसमें मेरा पोर्टफोलियो जो इनहेंस लगेगा, तो देन यू हैव टू मेंशन दैट नेम, ओके लिंकिन पार्क का म्यूजिक और वार्नर ब्रदर्स म्यूजिक जो उनका लेबल कंपनी है, व्हाटसोएवर सोनी म्यूजिक वार्नर ब्रदर्स म्यूजिक, वो आप मेंशन करिए, बट उसमें भी चांसेस है कि वो लोग आपका ब्लॉक करें कि ना करें। तो इसलिए ऑलवेज यूज लाइसेंस फ्री म्यूजिक। आई नो दैट म्यूजिक एनहेंस योर पोर्टफोलियो, but don't go with they don't have to go with that process. But ultimately employers are not looking for how impressive the music is, basically wo to aapka 3D ka kaam. This is the second point. This is the second point, but ye bhi aap mandatory nahi bol sakte ki employer dekhta nahi hai, situations matter karte hai. Okay, kuch din aisa hota hai ki mere paas bahut sare applications hai and I don't have time, I'm just having 1 hour, uske baad mujhe wapis apne shot pe baithna hai, मैं आऊंगा और चेक करूंगा, मैं फास्ट फॉरवर्ड कर 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 चेक करूंगा, मैं टेक्निकल एस्पेक्ट देखूंगा कि मॉडलिंग के शोरील में उसका एज लूप्स कैसे जा रहे हैं, कहीं तो ट्रायंगल तो नहीं बन रहा है, कहीं डायमंड तो नहीं बन रहा है, वो टेक्निकल एस्पेक्ट चेक किया, स्किप किया, ओके ही इज परफेक्ट गाय, कॉल हिम, इसने बहुत अच्छा एकदम किक एस मॉडल बनाया और उसके लेकिन उसके पॉलीगॉन्स उसके फ्लो नहीं बैठ रहे, रिगिंग पर्पस से भी देखेगा तो नहीं बैठ रहे, तो उसको रिजेक्ट कर देगा, वो एस्थेटिक में नहीं जाते वो लोग, वो सिर्फ टेक्निकलिटीज देखते हैं। तो इसलिए आप म्यूजिक, चलिए म्यूजिक का मैंडेटरी हो ना हो,
वायर फ्रेम्स और ये सब चीज में स्पेसिफिकेशंस में ध्यान रखना चाहिए लोगों को. एनिमेशन का है तो मेंशन इट एज दैट ओनली एडेड एनिमेशन, रिगिंग इसने किया, मॉडलिंग इसने किया, ये किया. परफेक्ट परफेक्ट. सो थैंक यू सो वेरी मच हमारे साथ आज यहाँ जुड़ने के लिए दिलीप. और माय प्लेजर, माय प्लेजर. आपने जो आपका एक्सपीरियंस शेयर किया, आई एम रियली श्योर कि हमारे स्टूडेंट्स को उससे बहुत सीखने को मिलेगा. और जो गलती पहले के जनरेशन के लोगों ने की है वो ये जनरेशन के लोग ना करें. और गलती करके तो सीखता है इंसान. सो हम चाहेंगे उन लोगों ने गलती किया इसलिए हम लोगों ने उस चीज को कवर अप किया. एग्जैक्टली एग्जैक्टली. और हम ये चाहेंगे कि इसके बाद भी हम लोग का कनेक्शन बना रहे. और क्योंकि हम लोग भी अपने कॉलेज में खुद ही एनिमेशन फिल्म्स बनवाते हैं तो हम आपके भी गाइडेंस सीख करते रहेंगे. मतलब लास्ट ईयर हम लोगों ने 7 फिल्म्स बनाए थे हमारे स्टूडेंट्स ने और फैकल्टीज ने मिलके. तो इस बार भी हम लोग बनाएंगे. और इन स्पाइट ऑफ द कोरोना लॉकडाउन अभी ऑनलाइन क्लासेस हमारी शुरू हैं, नया बैच भी शुरू हो रहा है, आज ही है इनफैक्ट हमारे डेमो लेक्चर्स शुरू हो गए हैं अगले साल के लिए. तो फिल्म का ऑफलाइन ही शुरू होता चला जाएगा. और जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा फिर कॉलेज धीरे धीरे लोग आना शुरू करेंगे तो हम आपको भी कभी फिजिकली, सिंस यू आर इन बॉम्बे इट्स वेरी इजी टू एग्जैक्टली. आई यूजुअली यू नो गो टू पुणे, आई डू अप एंड डाउन. या और आपकी पुरानी यादें भी हैं पुणे से तो वी वुड एग्जैक्टली एग्जैक्टली. सो विमान नगर वाला एरिया जो है वो पूरा हम लोग अच्छा ना हुआ है. ग्रेट. तो हम लोग जरूर आपको हमारे कॉलेज में भी इनवाइट करेंगे और स्टूडेंट से क्वेश्चन भी करवाएंगे. I would love to. I would love to. I love to go to your visit to your college and I would like to interact with the students. ताकि आपके student में I'm sure कोई ना कोई तो होंगे जिनका sketching में एकदम hardcore interest हो. In fact, first year में भी बहुत सारे students आते हैं और अभी तो हम first year में dedicated sketching का subject ही पढ़ाते हैं जो कम से कम साल में चलता है. तो हम लोग in fact हम लोगों ने consciously ये decision लिया है कि pre-production पे बहुत ज़्यादा focus करना है. तो कॉन्सेप्ट, स्टोरी राइटिंग, स्टोरी बोर्डिंग, स्केचिंग, ये सारी चीजों पे हम लोग फोकस कर रहे हैं. क्योंकि जैसे मैंने पहले भी कहा था कि इंडस्ट्री में अभी इसका नीड क्रिएट हो रहा है और क्योंकि हमारी फील्ड क्रिएटिव फील्ड है तो उसमें वो टेक्निकल लेबर वर्क करने से अच्छा है कि हम दिमाग वाला काम करें स्टूडेंट्स को. एग्जैक्टली. तो क्योंकि वेस्टर्न कंट्रीज में पहले वही होता था, टेक्निकल और वो जो ब्रेनस्टॉर्मिंग वाला वर्क होता था वो वही लोग करते थे, बाकी काम इंडिया में आउटसोर्स करते थे. एग्जैक्टली. अब यहाँ पे कुछ इमर्जिंग कंट्रीज है, मतलब इस चीज में जैसे फिलीपींस हो गया, वियतनाम हो गया, हम लोग ये कर सकते हैं. हम लोग टेक्निकल, हम लोग अपना जो आईपी और आईपी का आईपी पे भी काम करें प्लस उसका जो ब्रेनस्टॉर्मिंग पोर्शन है वो हम लोग करके हम अपना काम उनको दे सकते हैं. एग्जैक्टली एग्जैक्टली. जी आई थिंक या सो इट वॉज अ वंडरफुल इंटरेक्शन एंड हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद. और फिर जरूर मिलेंगे. बिल्कुल. ओके चलो बाय बाय. Bye-bye.